गजराल जो है इसको एक तहरीकी अहमियत हासिल है। अलाका गजराल की जिक्र कश्मीर की जो मशहूर तवारीख राजतरंगनी हो या अकवाम कश्मीर हो, जिसको मोहम्मदीन खौफ ने लिखा है, इस अलाके की जिक्र उसमें है। गुजारिश है हैश्ती तार अजकरालपुरा तक गजराल और गजराल गांव में एलटी तार तब्दील की जाए। नंबर 7 गाँव हाजम महकमा सैर सयाहत के लिए एक माकूल जगह है, जबकि महकमा सैर सयाहत ने चंद साल कबल थोड़ा बहुत काम भी किया था। गुजारिश है कि गाँव हाजा को महकमा टूरिज्म के तहत लाया जाए, जिसकी अशद जरूरत है। नंबर 8 महकमा दीही तरक्की के जरिए गाँव हाजा में मुख्तलिफ सड़कों की दाग बेल रखी गई, जिनकी अपग्रेडेशन और तजदीद नौ जैसे हायर सेकेंडरी वारसून ए, जिसमें हमें प्रिंसिपल की बहुत कमी, गुजारिश करूंगा कि अपनी नोटिस मिले और जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई करे और उसमें 200 बच्चियां और 200 वाटर सप्लाई को लेकर आप सब लोगों ने बोला। गजराल में आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक जेजेएम की जो स्कीम है वो सैंक्शन हो गई है। अब ये जो स्कीम है इसी साल इसका जो कंप्लीशन है वो टारगेटेड है, और इस स्कीम के बाद जो हमें लगता है कि यहाँ की जो पानी की जो दिक्कत है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जेजेएम में कम से हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, 600 करोड़ के काम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, उसमें बड़ी सारी स्कीम्स इस करालपुरा ब्लॉक में भी हैं। जेजेएम में हम थोड़ा पीछे रहे कि लास्ट ईयर हमारी टेंडरिंग बहुत लेट तक चलती रही, फिर उसके बाद जब रिस्पांस आया तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने इश्यूज थे मोर और लेस रिजॉल्व। अब इस गजराल में भी आपकी कई बार डेप्यूटेशन आई है मेरे पास, कुछ आरओडब्ल्यू इश्यूज थे आप लोगों को एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वो सब चीजें आज की डेट में रिजॉल्व हैं। और जो मुझे लगता है कि अब ये टाइमली कम्प्लीशन इस स्कीम की होगी और जो आपकी दिक्कत है सबसे बड़ी पानी की वो रिजॉल्व हो जाएगी। जो दूसरी चीज आप लोगों ने कही वो थी प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड डेफिनेटली हमारे यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेफ स्पेस चाहिए खेलकूद करने के लिए, और ऑल्सो क्योंकि अगर हमने उनको एक सेफ स्पेस नहीं दी तो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए तहसीलदार साहब एक लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट लैंड या काचा है, और हम उसको इंश्योर करेंगे कि हम मनरेगा के अंडर ही इस प्लेग्राउंड को बनाएंगे। कुछ सेग्रीगेशन शेड्स डेफिनेटली बनाए हैं, मशीनरी की जो प्रोक्योरमेंट है वो अंडर
प्रोसेस है, लेकिन इन द मीन टाइम डिपार्टमेंट ने, जो पंचायत का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक एजेंसी हायर की। वो एजेंसी आपके घरों से जो कूड़ा करकट है वो कलेक्ट करेगी और उसको डिस्पोजल भी करेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ यूजर चार्ज, बड़ा नॉमिनल फीस पे करना पड़ेगा। अगर उसमें आप हमें ताउन देंगे तो हम भी इंश्योर कर पाएंगे कि जो जितने भी गांव हैं करालपुरा के, इंक्लूडिंग गजियाल, वो साफ सुथरे हैं। सफाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, कामयाब कभी नहीं हो सकती। अगर हमने सफाई की और कल दूसरे घंटे में कोई आकर कचरा डाल देगा तो वो जगह कभी भी साफ नहीं होगी। एक लेवल ऑफ अवेयरनेस हम लोगों में सब में चाहिए कि हम अपने एरिया का खुद ख्याल रखें। हम लोगों से एक और दरखास्त रहेगी कि आप इस पखवाड़े के अंदर खुद वॉलंटरी सर्विस देकर अपने रिलीजियस साइट्स, जो कि आप जियारत की बहुत मेंशन कर रहे थे, सभी लोगों ने मेंशन किया, उसकी अपने प्लेग्राउंड्स, अपने स्कूल्स, मार्केट्स, इनमें एक वॉलंटरी तरीके से एक सफाई प्रोग्राम करें। और इसमें अगेन वीडियो और जो हमारे जो एसीपी ऑफिस से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अब एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम नई आई है जिसका नाम RDSS है, जिसमें यही चीजें जो आप कह रहे थे कि कई जगह दरख्तों के ऊपर से लाइन जा रही है, पोल्स नहीं है, या कुछ ट्रांसमिशन लाइन्स में काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं क्योंकि काफी ओल्ड लाइन्स हैं, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसी को लॉन्च ऑलरेडी कर दिया गया है। कई कई जगह ये स्टार्ट भी हो गया है, तो लाव कुपारा के इलाके में यहाँ पर भी वो काम होगा। और हम यही कोशिश करेंगे कि जितना भी ये पूरा इलाका है यहाँ पे जो एक्चुअल ANDC लॉसेज हैं ये काफी कम किया जाए, और यहाँ की जो बिजली, जो हमें सर्दियों में प्रॉब्लम आती है बिजली को लेकर, वो यहाँ पर ना हो। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो HADP है, PMEGP है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कितनी सारी स्कीम्स है, या ये सोलर की स्कीम के जिसके मैंने बारे में बात की, कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं जिसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम लोग खुद अप्लाई नहीं करेंगे इन स्कीम्स में तो हम इनका फायदा कैसे लेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन स्कीम्स के बारे में जानें, दफ्तरों में जाइए, यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहां से लीजिए, लेकिन इसमें अप्लाई करें। कुछ महीनों पहले तक HADP ने मेरा कोई नहीं मेरा दादी का बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत है, बहुत ही पाक।